असलम एवरी वन आई होप यू आर ऑल हैविंग अ वंडरफुल डे टुडे इस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग वी विल बी यूजिंग सर्कल्स टू क्रिएट वॉशिंग पाउडर इफेक्ट्स एंड टू सी हाउ इट वर्क यू विल नीड टू वॉच द होल वीडियो बिफोर वी गेट स्टार्टिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आईकॉन सो यू आर नोटिफाइड अबाउट अपकमिंग वीडियोज़ एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक आवर पेज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो कोई सा भी वाइट चार्ट पेपर ले लें या वाटर कलर शीट लें लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि शीट नॉन ग्लेज्ड हो ताकि उसके अंदर पानी आसानी के साथ एब्जॉर्ब हो सके पंचर की मदद से सर्कल्स काट लें और अगर आपके पास पंचर ना हो तो आप कैंची से भी अपने सर्कल्स काट सकते हैं मैंने यहाँ दो इंच के सर्कल काटे हैं टेक एनी वाइट चार्ट पेपर और वाटर कलर शीट बट कीप इन माइंड दैट द शीट शुड बी नॉन ग्लॉस्ड सो दैट इट कैन absorb वाटर easily यूज़ अ पंचर टू कट सर्कल्स एंड इफ़ यू डोंट हैव अ पंचर यू कैन also कट योर सर्कल्स with सीजर्स आई कट टू इंच सर्कल्स हेयर अब हम अपने कटे हुए सर्कल्स को थोड़े से पानी में कुछ देर के लिए भिगो देंगे दस से बीस सेकेंड्स काफ़ी होंगे पानी में डिप करने का मकसद सर्कल्स को सॉफ्ट करना है और फैब्रिक पे रखने से इनके किनारे भी नहीं मुड़ेंगे नाउ वी विल सोक नाविलर सर्कल्स इन वाटर फॉर अ अब अबाउट टेन टू ट्वेंटी सेकेंड्स विल बी एनाफ द परपज ऑफ डिपिंग दैम इन वाटर इज टू सॉफ्ट इन द सर्कल्स सो दैट दे दुडेंट कर्ल वन प्लेस्ड ऑन द फैब्रिक अब हम वॉशिंग पाउडर का पेस्ट तैयार कर लेंगे एक छोटे कंटेनर में दो टेबल स्पून वॉशिंग पाउडर डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और ब्रश की मदद से हिलाते जाएं। जब आपको लगे पेस्ट तैयार हो गया है तो मज़ीद पानी ऐड ना करें दो चम्मच पानी काफ़ी होगा नाउ लेट्स प्रिपेयर द वॉशिंग पाउडर पेस्ट टेक टू टेबल स्पून ऑफ वॉशिंग पाउडर इन अ स्मॉल कंटेनर एंड ग्रेजुअली एड टू टेबल स्पून ऑफ वाटर वायल स्टायरिंग वेल विद अ ब्रश When you feel the paste is ready, don't add more water. Two tablespoons of water will be enough. अब ब्रश की मदद से ये पेस्ट सर्कल्स पे अप्लाई करें और एक-एक करके सर्कल्स को किसी भी प्लास्टिक की शीट पे रखते जाएं। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके ये काम कर लें। Now using the brush apply the paste to the circles and place them one by one on any plastic sheet. Try to do this as quickly As possible. अब बारी है सिल्क को प्रिपेयर करने की सबसे पहले सिल्क पे पानी लगा लें मैं यहाँ मीडियम सिल्क यूज़ कर रहा हूँ और सिल्क का ये एक छोटा सा पीस है इसलिए मैं वाटर शावर इस्तेमाल कर रहा हूँ हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके ब्रश या स्पंज की मदद से सिल्क पे कोई सा भी कलर लगा लें नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर द सिल्क फर्स्ट डैम्पन दिल्क विद वाटर आई एम यूजिंग मीडियम सिल्क हेयर एंड दिस इज अ स्मॉल पीस सो आई एम यूजिंग अ वाटर शावर लाइटली स्प्रिंकल सम वाटर एंड देन अप्लाई एनी कलर टू दिल्क यूजिंग अ ब्रश और स्पन्ज सर्कल्स जो कि गीले हैं उनको एक एक करके अपने सिल्क पे अपनी मर्जी के फासले पर रखते जाए इस बात का ख्याल रखें कि जिस साइड पे पेस्ट लगाया था वो साइड फैब्रिक की तरफ होगी तमाम सर्कल्स लगाने के बाद सिल्क को तन तनहा कुछ देर के लिए छोड़ दें यहाँ तक कि ये आपके इंतज़ार में सूख जाए प्लेस द सर्कल्स दैट हैव सोक्ड वन बाय वन ऑन द सिल्क एट योर डिजायर्ड डिस्टेंस कीप इन माइंड दैट द साइड वेयर द पेस्ट वॉज अप्लाइड शुड बी फेसिंग द फैब्रिक आफ्टर प्लेसिंग ऑल द सर्कल्स leave the silk alone for a while until it dries। मैं खुद को ले जा रहा हूँ लेकिन अपने कैमरे की आंख को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ और अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आपके सामने जाहिर होना शुरू हो रहा है कि सिल्क ने कैसे कैसे रंग बदले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स वाकई ही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके बाद आने वाले रिजल्ट से खुशी होती है नाउ ग्रेजुअली द रिजल्ट आर स्टार्टिंग टू रिवील दैम सेल्व टू यू शोइंग हाउ द कलर्स ऑन द सिल्क आर चेंजिंग सम एक्सपेरिमेंट्स ट्रूली आर एक्सपेरिमेंट्स एंड द रिज़ल्ट दैट फॉलो दैम ब्रिंग जॉय सिल्क मुकम्मल ड्राई हो चुकी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है तमाम सर्कल्स रिमूव कर दें वाओ माशा इफेक्ट वाकई अनएक्सपेक्टेड है और बेहद हसीन भी दल्क हैज कम्प्लीटली ड्राइड एंड आई एम सो एक्साइटेड लेट सी वट द रिजल्ट इज रिमूव ऑल द सर्कल्स माशा द इफेक्ट इज ट्रूली अनएक्सपेक्टेड एंड एब्सलूटली ब्यूटिफुल ट्राई दिस इफेक्ट एंड आई एम श्योर यू विल एन्जॉय दिस आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स यूज करने की वजह से हमें दोनों तरफ से सिल्क को अच्छी तरह आयरन करना होगा सिंस वी आर यूजिंग आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स वी विल नीड टू आयरन द सिल्क थोड़ली ऑन बोथ साइड्स आयरन करने के बाद सिल्क को पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि सिल्क में से वॉशिंग पाउडर निकल जाए वॉश करने के बाद वायर पे ड्राई होने के लिए हैंग कर दें आफ्टर आयरनिंग वॉश द सिल्क थॉरली इन क्लीन वॉटर टू टू थ्री टाइम्स टू रिमूव एनी वॉशिंग पाउडर आफ्टर वॉशिंग हैंग इट ऑन अ वायर टू ड्राई सिल्क के ड्राई होने के बाद दोबारा से आयरन कर लें वंस दिल्क इज ड्राई आयरन इट अगेन My experiment for today is complete and its stunning results are right here for us to see. I hope you enjoyed watching this video. If you did, don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends. I do love to hear your thoughts, so feel free to drop your suggestions in the comments below. And if you are here for the first time, make sure to subscribe to the channel so you don't miss out any future content. Take good care of yourself and please keep me in your prayers. Allah Nikiban.